बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमल हयातुद दुनिया इल्ला लइबुन वलहु वलद्दारुल आखिरतु खैरुल लिल्लज़ीना यत्तकून अफला तअक़िलून। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहू व नस्तग़फिरुहू व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि वनऊज़ बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिब अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिब अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। हाज़िरीन किराम, नाज़रीन इज़ाम, हमारे इस सीरीज़ का निशान मंजिल के इस सीरीज़ का तीसरा मौजू है फ़ज़ाइल रमज़ान। आज हम इस ताल्लुक़ से आज के दर्स में कुरान व हदीस की रोशनी में मुदल्लल तौर पर देखेंगे कि रमज़ान महीने की शान व अज़मत और इनकी फजीलत और इस महीने में रोज़ेदार के लिए क्या खुशखबरी हैं, इन चीज़ों को हम देखेंगे आज के दर्स में इंशाअल्लाह। लेकिन सबसे पहले जो आयत करीमा मैं आपके सामने पेश की, उस आयत करीमा का माना मफहूम जहन नशीन कर दूं ताकि आगे चल के मजमून की बात समझने के लिए आसानी हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिब अलैकुमुस्सियाम। ऐ ईमान वालों, तुम पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए गए उसी तरीके पे जिस तरीके पे तुमसे पहले लोगों पर रोज़े फ़र्ज़ करार दिए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ, ताकि तुम तकवा वाला बन जाओ। ये आयत करीमा का मफ़हूम था। लेकिन ये रमज़ान को अरबी में साओम बोला जाता है। अरबी में साओम, जो सामा या सूमो का मसदर है, जिसका माना होता है रुक जाना। रुक जाने के माना ये मिसाल के तौर पर एक जब बिल्कुल सर के ऊपर सूरज आ जाता तो अरब इस्तेमाल करता था सामत शम्स, सूरज ठहर गया। इसी तरीके पर जब कोई यानी तेज तर्रार छुरी लेकर कोई जानवर को जबा करे और जानवर को जबा करते करते छुरी भोथा हो जाता, कुंद हो जाता, तो अरब का मक़ूल था अस्साइमतु मिनस सकाकीन, छुरी भोथा हो गया, कुंद हो गया। इसी तरीके पर एक दूसरी मिसाल भी ये दी जा सकती है कि अरब का मक़ूला था जैसे घोड़े के बारे में, अगर तेज रफ्तार घोड़े हो और चलते चलते बगैर उसको खाना पानी ना मिले, जिसकी वजह से वो बिल्कुल सुस्त रफ्तार बन जाता, तो इस वजह से अरब का मक़ूला था साइमुन फरसुन, यानी घोड़ा सुस्त रफ्तार हो गया, घोड़ा बिल्कुल सुस्त पड़ गया। ये अरब का मक़ूला था। ये लग़वी एतबार से हम देखें। अब इस्तिलाही तरीके से सौम का क्या माना होता है? सौम का माना इमाम अल-जुरजानी रहमतुल्लाह अलैह इस तरीके पे करते हैं, तर्कुत ताआमी वल शराबी वल जिमाई वल कलामी, यानी सौम का माना ये है कि खाने पीने और बीवी से मुबाशरत करने और फहश कलाम से रुक जाने का नाम सौम है। और इसी तरीके पे इस मफ़हूम को आप इस तरीके से समझ सकते हैं अलिमसाकु मिन अय्यि अमरिन, यानी हर चीज से जो रोजा को तोड़ देने वाली हो उन चीजों से रुक जाने का नाम सौम है। अब ये लग़वी एतबार से हम देखें। अब शरीय एतबार से इस्तिलाही तरीके से इसका माना मफ़हूम क्या होता है, इन चीज़ों को हम देखें। इस्तिलाही तरीके से इसका माना ये बयान किया जाए, हियल इम्साकु अनिल अक्ले वशुर्बे वसाइरिल मुफ्तराती यौमन कामिलन बिनियति सियामी मिन तुलूइल फज्रिस सादिकी इला गुरूबि शम्स। यानी सौम का माना इस्तिलाही तरीके से यह बयान की जाती है कि खाने पीने बीवी से मुबाशरत करने से रुक जाना और उन सारी चीजों से रुक जाने का नाम है जो रोजों को तोड़ देने वाली चीज हो। वो मुकम्मल तरीके से यानी पूरा दिन भर सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के खुशनुदी के खातिर, अल्लाह रब्बुल आलमीन के रजा, अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश करने के खातिर तुलुए फजर से लेकर गुरूब आफताब तक भूखा रहे, इन चीजों का नाम रोजा है। ये सौम का इस्तिलाही माना हम देखें। अब इस दर्स का जो पहला पॉइंट मेरा होगा ये रोजे रमजान के महीने की शान व अजमत, शान व शौकत कुरान व हदीस के रोशनी में क्या है, उन चीजों को हम देखें। तो कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन महीनों की शान व अजमत को बयान करते हुए फरमाया, क्या फरमाया? शहरु रमदान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान फ़मन शहिदा मिनकुम अस-सहर फ़लयसुमहु व मन कान मरीज़ा अव अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। रमजान का महीना वो महीना है जिसमें कुरान का नुज़ूल हुआ, यानी इससे ये आयत करीमा ये बताती है कि कुरान का नाजिल होना रमजानुल मुबारक में तो इस महीने की फजीलत और शान और शौकत को बढ़ा देती है, यानी देगर महीनों से इस महीने की शान और शौकत बढ़ा हुआ है। यह आयत करीमा इस बात पर दाल है। अब इस सिलसिले में एक रिवायत में पेश कर देना मुनासिब समझता हूं, जिससे रमजानुल मुबारक की फर्जियत भी साबित हो जाती है और इसकी शान और अजमत भी साबित हो जाती है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अताकुम रमज़ान शहरु मुबारक फ़रज़ल्लाहु अज़्ज़ा वजल अलैकुम सियामु तुफ़्तहु फ़ीहि अबवाबुल जन्नह व तुग़लक़ु फ़ीहि अबवाबुल जहीम व तुग़ल्लु फ़ीहि मुर्दतुश शयातीन। रवाहुन नसाई फी किताबी सियाम बेसनदिन सहीन। इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैहि इस रिवायत को किताब सयाम के अंदर ला रहे हैं इसी तरीके पे सही सनद के साथ, जिस तरीके पे मैंने आपके सामने पेश की। रिवायत का क्या मफहूम है? रावी हदीस हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, वो बयान करते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अताकुम रमजान शहर मुबारकुन, यानी मुबारक बाबरकत वाला महीना यानी रमजान का महीना आ गया जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रमजान के महीने की रोजे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम पर फर्ज किया कि तुम्हें रोजा रखना जरूरी है। इसकी फजीलत और क्या होती है? तुफ्तहु फी अबवाबिल जन्नह, दूसरी रिवायत में अबवाबुस समा, आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ये रमजान मुबारक का महीना ये वही महीना है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत के सारे दरवाजे खोल देते और कभी वो उसको बंद नहीं करते दरवाजे, यानी रमजान के मुकम्मल महीने तक अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दरवाजे को, जन्नत के दरवाजे को बंद नहीं करते। व तुग़लक़ु फ़ीहि अबवाबुल जहीम, और जहन्नम के दरवाजे को बंद कर दिया जाता। व तुग़ल्लु मुर्दतुश शयातीन, और शयातीन को जकड़ दिया जाता। यह हदीस रसूल भी इस बात पर दाल है कि इससे रमजानुल मुबारक के महीने की शान और शौकत और इनकी अजमत साबित होती है कि इस महीने में क्या फजीलत है, इस महीने की अहमियत दूसरे महीने के बिलमुकाबिल कितनी अहमियत रखती है कि रमजान महीने की अहमियत और फजीलत दूसरे महीने के बिलमुकाबिल बहुत ज्यादा है। जिस वजह से क्यों ये आयत करीमा और यह हदीस रसूल इस बात पर दलालत करती है। आए अब हम देखें इस दर्स का दूसरा पॉइंट मेरा यह होगा कि रमजान के महीने में जो रोजा रखे उन लोगों के लिए क्या खुशखबरी है। मजीद इनको हम हदीसों की रोशनी में देखेंगे। हदीस रसूल यूं अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल अस-सौमु ली व अना अजज़ी बिही यदाओ शहवतहु अकलहु व शुरबा मिन अजली वस्सौम जुन्नतुन वलिस्साइम फरहतान फरहतुन हिन युफ्तिर व फरहतुन हिन यल्का रब्बह वला खुलूफु फमिस्साइम अत्यब इंदल्लाहि मिन रिहिल मुस्क। रवाहुल बुखारी फी किताबुस सौम। इमाम अल बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि इसको अपने सही के अंदर इस तरीके पे ला रहे जिस तरीके पे मैंने आपके सामने पेश की। रिवायत का क्या मफहूम है? रावी हदीस हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, वो बयान करते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया काल अल्लाहु यक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, क्या फरमाता? अस्सौमु ली, रोजा मेरे लिए है, वाना अजीजी बिही, और मैं ही इसका बदल दूंगा। क्यों? यदउ शहवतहु व अकलहु व शुरबहु मिन अजली, इस वजह से कि वो मेरे डर से खाना खाने और पानी पीने को और बीवी से मुबाशरत करने को छोड़ देता है, तर्क कर देता है। वस्सौम जुन्नतुन, रोजा एक ढाल है। ये ढाल क्या होता? इंसान जब जंग यानी मैदान जंग में उतारता है तो एक हाथ में मुजाहिद के एक हाथ में तलवार होती है और दूसरे हाथ में दूसरे यानी उनके मुखालिफ पार्टी से सेफ रहने के लिए ढाल हुआ करती है जिससे वो मुखालिफ पार्टी से सेफ रह सके। ये होता है ढाल। ढाल का जिक्र है। वलिस्साई में फरहतान, रोजेदार के लिए दो खुशियां होती है। एक खुशी उस वक्त में हिन युफ्तिर, जब वो रोजा अवतार करता। दूसरी खुशी कब होती है? वहीन युलका यल्का रब्बा, उस वक्त होंगी उनको जब अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुलाकात करेगा। मजीद रोजेदार की अहमियत और फजीलत को बयान करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमाते हैं? वला खलूफ फमिस्साइम अत्यब इंदल्लाहि मिन रिहिल मुस्क। अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक जो बदबू निकलता है रोजेदार के मुँह से, वल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ मुस्क की खुशबू से भी ज्यादा पसंद है। यह हदीस रसूल भी इस बात की वाज़ेह दलील है और ये बताती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो ये बता रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद रोजे की गारंटी ले रहे हैं कि मैं ही इसका बदल दूंगा और मैं ही इसका अज्र दूंगा, ये किस बात पर दाल है? ये इस बात पर दाल है कि रोजा एक ऐसी इबादत है जिसमें रिया नमूद नाम का कोई चीज नहीं। दूसरी इबादत में रिया हो सकती है। अगर कोई हज करने के घर से मक्का पहुंचे तो उनका मकसद ये भी हो सकता है ताकि मैं दुनिया के अंदर हाजी कहलाया जाऊं। अगर कोई खाना काबा हज करने के घर से पहुंचे तो उनका मकसद और इरादा ये भी हो सकता है ताकि मैं दुनिया के अंदर हाजी कहलाया जाऊं। और इसी तरीके पे अगर कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में सदका व खैरात करता है तो उनका मकसद और उनकी नीयत ये भी हो सकती है ताकि मैं दुनिया के अंदर सखी और फयाजी कहलाया जाऊं। लेकिन रोजा ये एक ऐसी इबादत है जो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकवा डर होने की वजह से इंसान चाहे खुलूत की जिंदगी गुजारे, तन्हाई में हो, उनके बावजूद भी वो रोजा को नहीं तोड़ता। एक इंसान प्यासा होता है, गुसलखाना में होता, बिल्कुल तने तना, लेकिन इनके बावजूद भी रोजा को नहीं तोड़ता। इस वजह से सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर होता है उनको। वो चाहता तो पानी पी लेता, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर उनके दिल में होता है जिसकी वजह से वो रोजा नहीं तोड़ता। ये बात इस वजह से कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का महज ख्वाब होना और बीवी से मुबाशरत कर सकता था, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का ख्वाब है उनके दिल में जिसकी वजह से वो बीवी से मुबाशरत करने को चाह रहा था, लेकिन डर होने की वजह से मुबाशरत नहीं की। इन सारी चीजों को तर्क कर देने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ये बता रहे हैं अस्सौमु ली व अना अजज़ी बि। यह हदीस रसूल ये बात बताती है कि रोजे के अंदर, रोजे एक ऐसी इबादत है जिसमें रिया नमूद नाम कोई चीज नहीं। इसमें सिर्फ महज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ होता है। अब आए रोजेदार के लिए और क्या खुशखबरी है, और एक रिवायत जी चाहता है कि और एक रिवायत पेश कर दूं। रिवायत इस तरीके में अनसाल बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न फ़िल जन्नति बाबन युक़ालु लहु अर्रय्यान यदख़ुलु मिन्हु अस्साइमून ला यदख़ुलु मिन्हु अहदुन गैरुहुम युक़ालु अय्ना अस्साइमून फ़यक़ूमून यदख़ुलु मिन्हु अस्साइमून ला यदखुलु मिन्हु अहदुन गैरुहुम फइज़ा दखलु उगलिका फलम यदखुल मिन्हु अहद रवाहुल बुखारी फी बाबी रय्यान लिस्साइमीन। इस बाब के अंदर इमाम अल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस रिवायत को पेश कर रहे हैं। रिवायत का क्या मफहूम है? रिवायत रावी हदीस हजरत साल बिन साद रजी अल्लाह तआला अन्हु वो बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक दरवाजा है जिनको रय्यान कहा जाता है, रय्यान के नाम से जाना जाता, जिसमें जिस दरवाजे से सिर्फ रोजेदार ही दाखिल होंगे, रोजेदार के अलावा उस दरवाजे से कोई दाखिल नहीं हो सकता। कहा जाएगा बाकायदा आई ना साइमोन रोजेदार कहाँ है, किधर ढूंढा जाएगा। उसमें रोजेदार खड़े होंगे और उस दरवाजे से गुजरते हुए दाखिल हो जाएंगे। ला यदखुलु मिन्हु अहदुन गैरुहुम, उनके अलावा, उन रोजेदार के अलावा कोई उस दरवाजे से एंट्री नहीं कर सकता, उस दरवाजे से दाखिल नहीं हो सकता। फैज़ा दखलू, जब वो दाखिल हो जाएंगे रोजेदार उस दरवाजे से, रय्यान नामी दरवाजे से जब दाखिल हो जाएंगे उगले का तो दरवाजा बंद कर दिया जाएगा, उस वक्त तक बंद कर दिया जाएगा, उसी तरीके पर बंद कर दिया जाएगा ताकि कोई और कोई दूसरा शख्स उस दरवाजे से दाखिल ना हो सके। यह हदीस रसूल भी रोजेदार की अहमियत और रोजेदार को खुशखबरी देते हुए ये फरमाते हैं कि हाँ, इस तरीके की बात और इस तरीके के रोजेदार के लिए सारी खुशखबरियां। मजीद आए और हम देखें फजीलतों के सिलसिले में जो और एक रिवायत मैं पढ़ देता हूँ। रिवायत इस तरीके में, अनबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाम रमज़ानन ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बी व मन साम रमज़ानन ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बी। रवाहुल बुखारी फी किताबुल ईमान। इमाम अल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस रिवायत को किताबुल ईमान के अंदर ला रहे हैं। रावी हदीस हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो बयान करते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया? मन काम रमजाना, जिससे ये नमाज तरावी जो पढ़ते हैं, नमाज तरावी पढ़ने वालों के लिए खुशखबरी है, जिससे फजीलत साबित होती है कि रमजानुल मुबारक में क़यामुल लैल के नाम से जो हम जानते हैं, मन काम रमजानन ईमानन व इहतिसाबन, यानी जो कयाम करे ईमान रखते हुए और अज्र और सवाब का मकसद और इरादा को लेते हुए ये उम्मीद लगाकर अगर कोई कयाम करे गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी, तो उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। मा तक़द्दम मिन ज़म्बी की तशरीह करते हुए फुआद अब्दुल बाकी साहब करते हैं तशरीह इस तरीके पे, मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही औ मिन सगाइर, छोटे छोटे गुनाह जो सरजद हुए उनसे वो सारे छोटे छोटे गुनाह खत्म कर दिए जाते। और मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी, और इसी तरीके पे जो रमजान महीने का रोजा रखे ये ईमान रखते हुए और अपने नफ्स का मुहासबा करते हुए तो उनके भी अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते। आए सबसे पहले हम इस हदीस को सरे बस्ते के साथ बयान कर दूं जरा कि क्या है इसमें। मन काम रमजान ईमान व इहतिसाबन, ईमान का लफ्ज लगाना, हदीस रसूल में ईमान का लफ्ज आना इस बात की वाज़ेह दलील है कि ईमानदार को ही यह कयाम फायदा पहुंचाएगा। अगर किसी के अंदर ईमान नहीं, अगर वो कयाम कर रहे तो ऐसे शख्स को कयाम कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा और ना ही उनके गुनाह माफी होंगी और ना ही वो अपने गुनाहों के बख्शिश अल्लाह रब्बुल आलमीन से करा सकते हैं। मोमिन है ही नहीं, ईमान है ही नहीं तो कैसा। वह इहतिसाबन, यानी इंसान को ये इहतिसाब का लफ्ज अल्लाह रब्बुल आलमीन के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करना कि इंसान जो पिछले जिंदगी में कितना गुनाह उनसे सरजद हुआ और कितने नेकियां उन्होंने की, तो उन चीजों को देखें, अपने परखे, अपनी जिंदगी का मुहासबा करें कि मैं कितने गुनाह किया और कितने नेकियां मुझसे हुई। अगर नेकियां उन्होंने की तो इस सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करें, और अगर उनसे गुनाह सरजद हुई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से रोए, गिड़गिड़ाए, रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह रब्बुल आलमीन से किसी भी तरीके से वो बख्शिश करा ले। और वमन सामा रमजान ईमानन एहतिसाबन, दूसरा जो हदीस का है, तो ये बताती है, ये हदीस ये और ये टुकड़ा ये बताती है हमें कि अगर कोई दूसरा शख्स मोमिन के अलावा अगर कोई दूसरा शख्स ईमान रोजा रखे तो इस सूरत में यह हदीस रसूल ये हमें बताती है कि उसको रोजा फायदा नहीं पहुंचाएगा और ना ही उनके गुनाह माफी होंगे। नाजरीन ने कह रहा हूं जरा तदब्बुर से काम ले, गौर फिक्र करे, क्या अगर कोई ये भी नियत रखे कि बस आया रोजा और मैं रोजा रख लिया और खत्म हो गया, इस तरीके पे भी उसका कोई रोजा फायदा नहीं पहुंचाएगा। घर से वो महीने भर का रोजा रख ले फिर भी उसको वो फायदा नहीं पहुंचाएगा। यह हदीस रसूल हमें ये बात बताती है। तो ये था हमारा ये मुख्तसर सा ये सौम के बारे में। ये जो 3 पॉइंट मैंने आपके सामने रखी, पहला पॉइंट मेरा ये था कि रमजान महीने की शान और अजमत कुरान और हदीस से मैंने आपके सामने साबित की। दूसरा पॉइंट मेरा ये था रमजान महीने की रोजों की रोजेदार की खुशखबरी, यानी रोजेदार के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या खुशखबरियां रखी और क्या सुनाए, उन चीजों के बारे में मैंने मुदल्लल आपके सामने रखी। दूसरा ये तो दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट मेरा क्या था इस दर्स का? तीसरा पॉइंट ये था क़यामुल लैल, यानी इस रमजानुल मुबारक में जो तरावी की नमाज पढ़े तो उनके लिए क्या अजर सवाब है। तो ये हदीस जो मैंने आपके सामने पेश की, तो ये इससे इस तरावी की नमाज पढ़ने वालों की शान अजमत और उनकी फजीलत साबित होती है। चौथा पॉइंट मेरा ये होगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ ये रोजेदार के लिए खुशखबरी सुनाए तो दूसरी तरफ गैर रोजेदार के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने उन पर लानत भी की है। ये चौथा पॉइंट किसी भी इंसान के दिल को दहलाने के लिए काफी है। मैं रिवायत पढ़ देता हूँ हदीस रसूल इस तरीके पे। अन कअब बिन उजरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहजुरुल मिंबर फहजरना फलम्मा इरतक़ा दरजतन क़ाल आमीन फलम्मा इरतक़ा दरजत सानिया क़ाल आमीन फलम्मा इरतक़ा दरजत सालिसा क़ाल आमीन फलम्मा नज़ला क़ुलना या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लक़द समीअना मिनकल यौम शय्या मा कुन्ना नस्मअहु क़ाल इन्न जिब्रील अलैहि सलातो व सलाम अरजली बुअदन लिमन अदरका रमज़ान फलम युगफर लहु कुल्तु आमीन फलम्मा रकीतु सानियत लिमन ज़ुकिरत इंदहु फलम युसल्ली अलैक कुल्तु आमीन फलम्मा रकीतु सालिसा क़ाल मन अदरक अबवाहुल किबर इंदहु औ अहदहुमा फलन यदखिलल जन्नह रवाहु हाकिम फिल मुस्तदरक अल सहीहैन बिसनदिन सहीह। इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह फी किताबिल बिर्र व सिला, इस बाब के अंदर इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह इस रिवायत को अपने मुस्तदरक अल सहीहैन के अंदर ला रहे और इमाम इब्न हिब्बान रहमतुल्लाह अलैह इस रिवायत को किताब फी बाब हक़्क़िल वालिदैन के अंदर पेश कर रहे हैं। रिवायत का क्या मफ़हूम है? जिससे इंसान किसी भी इंसान के दिल को दहलाने के लिए यह हदीस रसूल काफी है। हदीस रसूल का मफ़हूम सबसे पहले हम समझ लें। हजरत काब बिन उजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये सहाबी रसूल वो बयान करते हैं कि उजुरुल मिंबरा, यानी तमाम लोगों को हाजिर करने की बात करी गई तो इस सूरत में सब लोग हाजिर हुए, हम लोग सारे के सारे लोग हाजिर हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली सीढ़ी पर चढ़े तो आमीन कहे, दूसरी सीढ़ी पर चढ़े तो आमीन कहे, तीसरी सीढ़ी पर चढ़े तो आमीन कहे। फकुलना या रसूल अल्लाह, हजरत काब बिन उजरा बयान करते हैं कि हम लोग सब बैठे हुए थे, हम लोग सब ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये बातें रखी। या रसूल अल्लाह लक़द समीअना मिनकल यौम शय्या मा कुन्ना नस्मऊ, आज मैंने हम लोगों ने आपसे ऐसी बात सुनी है, ऐसी चीज सुनी है जो इससे पहले कभी नहीं सुनी थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाए? इन्ना जिब्रील अलैहिस्सलातु वसलाम अरजली, यानी मेरे पास हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे। वो बयान कर रहे थे क्या? बुअदन लिमन अदरक रमजान फलम युगफर लहू कुल तो आमीन। जिब्रील अमीन आए और ये बताए कि उस शख्स के लिए लानत हो, उस शख्स पर लानत हो, किस शख्स पर जिन्होंने रमजानुल मुबारक जैसे बाबरकत वाले महीने को पाया, उनके बाद पाने के बावजूद भी उन्होंने अपने आप के बख्शिश अल्लाह रब्बुल आलमीन से नहीं करा सका। तो मैंने कहा आमीन। और बता रहे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फलब मरकी तुसानिया, जब मैं दूसरी सीढ़ी पर चढ़ा तो हजरत जिब्रील अमीन ने कहा लेमन जुकिरता इंदहु फलम युसल्ली अलैकुल तो आमीन। दूसरी सीढ़ी पर चढ़ा तो जिब्रील अमीन ने कहा कि आपका जिक्र लोगों के सामने की जाए और आप पर दरूद ना भेजें तो उस शख्स पर भी लानत हो। कुल तो आमीन, तो मैंने कहा आमीन। फकाल, फिर हजरत जिब्रील अमीन ने कहा बुअदन लिमन अदरका अबवाहुल किबर इंदहु अहदुहुमा फलम युदखिलहल जन्ना। इसी तरीके पे लानत हो उस शख्स पर जिन्होंने वालिदैन को पाया या वालिदैन में से किसी एक को पाया, उनके बावजूद भी अपने आप को जन्नत का हकदार नहीं बना पाया। तो ऐसे शख्स पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत जिब्रील अमीन की लानत है। तो यह हदीस रसूल ये हमें बताती है कि एक तरफ अगर हम खुशखबरी को देखेंगे कि रोजेदार के लिए सारी बसारत है, तो दूसरी तरफ यह हदीस रसूल ये बताती है कि रोजा तोड़ने वाले पर भी ये सारे वईद हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत जिब्रील अमीन इन जैसे शख्सों पर लानत की बारिश बरस रहे। यह हदीस रसूल हमें ये बात बताती है। तो पता ये चला कि रमजानुल मुबारक में, रमजानुल मुबारक जैसे बाबरकत महीने में अगर एक तरफ ये सारी बशारतें हैं, खुशखबरियां हैं, तो एक तरफ ईद भी है। ये खुशखबरी उन लोगों के लिए जो मैंने आपके सामने बताई कि ईमान हो और ये इंसान सोचे भी, अपने आप का मुहासबा भी करें कि मैं दुनिया के अंदर मुझसे कितनी गुनाह हुई और कितने गुनाह सरजद हुई। इस तरीके की बात इंसान सोचे, सोचते हुए रोजा रखे तो इंसान को वो रोजा फायदा पहुंचाएगा। और एक रिवायत में पेश कर देता हूँ जिससे इंसान ये सोचता है कि सिर्फ खाना पीना छोड़ने का नाम ही रोजा है, जो ये हदीस से उनकी बातें रद्द हो जाती है। वो हदीस रसूल इस तरीके पे, अनबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लम यदा क़ौल ज़ूर वल अमल बि वलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदा तआमहु व शराबहु वलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदा तआमहु व शराबहु। रवाहुल बुखारी फी बाबी क़ौल ज़ूर वल अमल बि फी सौम। इमाम अल बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि इस रिवायत को इस बाब के अंदर ला रहे हैं कि झूठी बात कहना और उन्हीं के मुताबिक अमल करना रमजान में। रिवायत का क्या मफहूम है? रावी हदीस हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु है, वो बयान करते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया? उनकी बातें रद्द हो जाती है जिन लोगों की सोच और जो ये सोच बैठे हैं कि सिर्फ खाना पीना और बीवी से मुबाशरा छोड़ने का नाम ही रोजा है, तो उनकी बातें रद्द हो जाती है यह हदीस रसूल से। यह हदीस रसूल क्या बताती है? मल्लम यदा कौल ज़ूर, अगर कोई खाना छोड़ दे, पीना छोड़ दे, बीवी से मुबाशरत करना छोड़ दे, लेकिन एक तरफ झूठी बात करे और दूसरी तरफ झूठी गवाही पेश करे और उसके मुताबिक अमल भी करे, तो क्या ऐसे शख्स का रोजा रह सकता या नहीं? हदीस रसूल जवाब देती है, क्या? मन लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदा तआमहु व शराबा। जो खाने को नहीं छोड़ता, मन लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही, और उसके मुताबिक अमल करने को नहीं छोड़ता, फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी, तो ऐसे शख्स का अल्लाह रब्बुल आलमीन के या कोई जरूरत नहीं, चाहे वो खाना खाए या पानी पिए, खाना खाए या खाना छोड़े, रोजा रखे या ना रखे, बराबर है। क्यों? इस वजह से कि उनके अंदर ये चीजें पाई गई, ये सिफतें पाई गई कि वो झूठ बोल रहा था, झूठी गवाही दे रहा था, झूठी कसम खा रहा था, जिसकी वजह से यह हदीस रसूल ये बताती है कि सिर्फ खाना पीना छोड़ देने का नाम रोजा नहीं है, बल्कि फवाहिश और ये सारी झूठी कसम खाना, झूठी बात बोलने से भी इंसान का रोजा टूट जाता है। तो हमारा इस दर्स का ये पॉइंट हुआ। पहला पॉइंट, रमजान कि महीनों की शान व अजमत। दूसरा पॉइंट ये रहा रमज़ान महीनों की रोज़े की शान व अजमत और उनके लिए खुशखबरियाँ। तीसरा पॉइंट ये रहा कि क़यामुल लैल यानी नमाज तरावी की, नमाज तरावी पढ़ने वालों के लिए शान व अजमत। चौथा पॉइंट मेरा ये रहा कि एक तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खुशखबरी जन्नत वालों, ये रमज़ान रोज़ेदार के लिए खुशखबरियाँ दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जहन्नम और लानत की बारिश बरत रहे हैं। ये मेरा ये दर्स का मुख्तसर खुलासा था। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन सारी बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाएँ और सही और बिल्कुल मुस्तहकम बातों को हमें समझने की तौफीक अता फरमाएँ और कुरान व हदीस का सही मफहूम हमें समझने की तौफीक अता फरमाएँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से आखिर में दुआ ये भी हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जब तक कायम दायम रखे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये सारी बातों पे बातों के मुताबिक और किताब व सुन्नत के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह आलमीन से ये भी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम अगर रमज़ान रखे, रमज़ान महीने का रोज़ा इस तरीके पे हमारा गुजर हो जाए जिस तरीके पे तेरा मुतालबा है उस तरीके पे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये भी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा ज़ब भी खातिमा हो, ईमान बिल्ला पर खातिमा हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون।